अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ हायर प्रेजेंट स्मार्ट कुकिंग शो ऑन मसाला टीवी विद मी ज़ारनक सिद्वा। आज के इस एपिसोड में हम मैंगो और एप्पल क्रिस्प बनाएंगे, ठीक है? देखिएगा, सीखिएगा, बनाइएगा। हायर के बिल्ट इन अवन को मैंने प्रीहीट कर दिया है उसमें, और हम हायर के हॉब को यूज़ करते हुए जिसमें 3 बर्नर्स इन अ रो है, ब्रास के बर्नर्स हैं, स्मार्ट एंड सेफ हॉब है। यहाँ मैंने पेने पास्ता को बॉयल करने रख दिया है, ये देखें, ठीक है? पेने पास्ता को मैंने बॉयल करने रख दिया है पानी में, और थोड़ा सा नमक डाला था, और थोड़ा सा आप इसमें तेल डाल दीजिएगा ताकि ये चिपके ना। बॉयल हो जाएंगे, छान लेंगे, और हम बना रहे हैं माइक्रोवेव पास्ता आज। वो कैसे बनाएंगे? एक बोल ले लीजिए कांच का, उसमें सारे अज्जा आप शामिल कर दीजिए और माइक्रोवेव अवन में रख दीजिए। ये है टमाटर, 3 से 4 बड़े टमाटर लीजिएगा। फिर जो भी हर्ब्स आपको डालने हैं, मुझे तुलसी मिल गई तो मैं तुलसी लेके आ गई, सो देयर्स तुलसी या यानी बेजल फ्रेश, ठीक है? और फिर यहाँ है लहसुन चॉप किया हुआ, इतना मज़े का, जल्दी से टमेटो सॉस इसमें बन जाएगा। और फिर हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक और ब्रेड के क्यूब्स। 2 डबल रोटी को इस तरह मैंने क्यूब्स में काट लिया था, सही है? ये सब कुछ मिक्स कर दीजिए अच्छी तरह। अब हम क्या करेंगे, क्लिंग लेंगे, ठीक है? क्लिंग फिल्म लेके आप बोल को बंद कर दीजिए इस तरह, और फिर एक कांटे की मदद से पियर्स करिएगा क्लिंग फिल्म को। काटा लीजिए इस तरह, और फिर आप इसको हायर के बिल्ट इन माइक्रोवेव अवन में रख दीजिए। टू मिनट्स के लिए मैंने रख दिया है, बहुत ही आसान था। डबल रोटी के क्यूब्स कर दीजिए, टमाटरों को चॉप कर दीजिए, लहसुन नमक उसमें डाल दीजिए, और आप तुलसी के पत्ते डाल दीजिए। नहीं हो फ्रेश तुलसी तो आप कोई भी ड्राई हर्ब्स यूज़ कर सकते हैं। मिक्स कर दीजिए हर चीज़, एक बोल में रख दीजिए जो माइक्रोवेव में जा सके, कांच का बोल। क्लिंग फिल्म लगा दीजिए, उसको पियर्स कर दीजिए कांटे की मदद से, और फिर आप उसको पकने दीजिए। जब वो पक जाएगा तो मेरे पास यहाँ जो पास्ता है, पेने पास्ता जो बॉयल हो गया है, हम ड्रेन करेंगे। ठीक है, इसको फिर हम उसमें मिक्स इन कर देंगे। बहुत ही आसान रेसिपी है, ट्राई ज़रूर करिएगा। ओके, यहाँ है मेरे पास आम, 2 से 3 आम मैंने लिए थे। अच्छी सिंदरी आम लीजिएगा जिसमें पल्प हो ज़्यादा, और सेब हैं, ठीक है? 2 सेब हैं। अब इसमें हम डालेंगे थोड़ी सी दालचीनी का पाउडर, एप्पल्स और सिनेमन बहुत अच्छा जाता है। इसको मिक्स कर दीजिए दालचीनी के साथ साथ, आप इसमें जायफल का पाउडर भी डालिएगा, नटमेग। ये जायफल चला गया, ये भी मिक्स कर दीजिए। आम को मिक्स कर दीजिए इसमें, और आप इसमें लेमन जूस डाल दीजिए। आम, सेब, लेमन जूस, नटमेग और दालचीनी। अब आप एक डिश लीजिए जिसमें आपको इसको पकाना है, और ये पूरा का पूरा इसमें आप डाल दीजिए, ठीक है? अच्छी तरह इसको मिक्स कीजिए, आम के पीसेस हर जगह हों, डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिएगा अच्छी तरह इस तरह, ठीक है? एप्पल्स भी हों। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप क्या है? अब हमें करना है ब्राउन शुगर को और मक्खन को मिक्स। सो यहाँ हम ब्राउन शुगर लेंगे, उसी बोल में हम मक्खन शामिल करेंगे, ठीक है? फिर उसमें हम मैदा डालेंगे, और उसमें हम पिसी हुई दालचीनी का पाउडर और थोड़ा सा डाल के
कट करेंगे इस तरह। अच्छा, मुझे आवाज़ आई कि माइक्रोवेव हमारा बंद हो चुका है, उसको मैंने खोलना है और देखना है। अभी नहीं हुआ है, सॉस हो रहा है, सो आई डू दिस अगेन एंड लेट्स डू दिस अगेन। ठीक है, ढाई मिनट और। तब तक मैं यहाँ मक्खन को कट इन करूँ इस तरह। मैदा है, मक्खन है, दालचीनी का पाउडर है और ब्राउन शुगर है। ये क्रम्बली होना चाहिए, इसको स्मूद नहीं होना चाहिए। मक्खन इस तरह नज़र आए और मक्खन ठंडा लीजिएगा प्लीज़। ठीक है, फिर इसके ऊपर हम डाल देंगे और इसको हम हायर के बिल्टन अवन में बेक कर देंगे। इसका रैक जो है वो मैं ज़रा ऊपर कर दूँ। और फिर मैं इसको इसके ऊपर पूरा बिछाते हैं, स्प्रिंकल कर देते हैं इस क्रम्बल को और फौरन इसको हम अवन में बेक करने रख देते हैं। इक्वली स्प्रेड कर दीजिए हर जगह ये हो क्रम्बल इसका। ठीक है जी, चलिए अब इसको रख देते हैं हायर के हम बिल्टिन अवन में। और चलते हैं हम एक छोटी सी ब्रेक पे, कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए हायर प्रेजेंट स्मार्ट कुकिंग शो ऑन मसाला टीवी। जी, ब्रेक से वापस आ गए हैं। अब देखिए, मैंने आपके सामने जो बोल रखा था जिसको हमने माइक्रोवेव किया था टोमेटो सॉस के लिए, ये क्लिंग के साथ मैंने इसको निकाल दिया है। ठीक है, पियर्स करना बहुत ज़रूरी है ताकि उसमें, ये देखें, अब आराम से इसको आप उठाइए, ये आपका सॉस बिल्कुल रेडी हो गया है। ठीक है, अब इसको आप मिक्स कीजिए। टोमेटोज आर डन, अब आप इसको उठा के, बहुत गर्म है ये, इसको आप मिक्स कर दीजिए। ठीक है, ये आपका माइक्रोवेव पास्ता हो जाएगा रेडी। लुक एट द सॉस, टमाटरों को इस तरह मिक्स कीजिए, ब्रेड के क्यूब्स हैं, नमक है, लहसुन है और तुलसी। ज़रूर रेसिपी ट्राई करिएगा और बनाइएगा। मैंने पेने पास्ता का इस्तेमाल किया है, कोई सा भी पास्ता यूज़ कर सकते हैं। फिर जब आपको लगे कि ये सब कुछ अच्छी तरह मिक्स हो गया है तो आप फिर इसको किसी डिश में निकाल के सर्व कर दीजिए। मैंगो एप्पल क्रिस्पी हमारा हो रहा है, जस्ट अ फ्यू मोर मिनट्स एंड इट्स डन। माइक्रोवेव पेने पास्ता का मैं रिकैप कर दूं। मैंने एक बोल में टमाटर लिए थे, लहसुन क्रश करके या स्लाइस करके या चॉप करके आप डाल दीजिए, नमक डालिए, ताज़ा तुलसी के पत्ते हों, बेजल लीव्स, तो वो चॉप करके या साबुत डाल दीजिए, एक ब्रेड का स्लाइस लीजिए, उसको क्यूब्स में काट के वो भी डाल दीजिए, क्लिंग लगा दीजिए उस कांच के बोल के ऊपर और कांटे के साथ आप उसको तीन चार जगह से पियर्स कर दीजिए। ठीक है, उसके बाद आप हायर के बिल्टिन माइक्रोवेव अवन में मैंने उसको रख दिया था ताकि वो जल्दी से पक जाए, उसका मज़ेदार सा एक सॉस बन जाए। उसके बाद मैंने यहाँ हायर का चूल्हा इस्तेमाल करते हुए, उसका हॉब इस्तेमाल करते हुए, मैंने एक बड़ा सा पैन लिया था, उसमें पानी, नमक, तेल डाल के पास्ता बॉयल कर दिया था। पेने पास्ता मैंने यूज़ किया था, आप कोई सा भी शेप यूज़ कर सकते हैं। जब बॉयल हो जाए तो उसको आप छान लीजिएगा, पास्ता का पानी आप निकाल दीजिएगा। कुछ लोग क्या करते हैं, पास्ता जब पकाते हैं उसका जो पानी होता है वो थोड़ा सा बचा के रखते हैं,
हैं वो रिज़र्व पानी भी आप सॉस में डाल सकते हैं। अब फिर इसको आप मिक्स करिए और आप इसको सर्व कर दीजिए। बहुत ही जल्दी झटपट तैयार होने वाला ये सॉस है। और एप्पल एंड मैंगो क्रिस्प के लिए दो बड़े सेब लीजिएगा, छिलके समेत उसको चॉप कर दीजिएगा। मैंगो लीजिएगा, एटलीस्ट 3 कप मैंगो होने चाहिए, क्यूब्स में काट लीजिएगा। कोई भी अच्छी सी फ्लैशी सी पल्पी सी मैंगो लीजिएगा, ठीक है। मैंने सिंदरी आम का इस्तेमाल किया है, आपको जो भी अच्छा लगे। दालचीनी और जायफल उस पर ऊपर डालिएगा, लेमन जूस डालिएगा, मिक्स कर दीजिएगा आम को सेब के साथ और एक डिश में रख दीजिएगा। फिर उसके ऊपर हमने ब्राउन शुगर, मक्खन, मैदे का मिक्सचर किया था, उसमें भी थोड़ी सी मैंने दालचीनी डाली थी और वो ऊपर से फैला दीजिएगा। ये पूरा कवर नहीं होगा, ये क्रिस्प है तो ये थोड़े जगहों से क्रिस्प होगा और नीचे से ये फ्रूट पकेगी। आम तो बहुत जल्दी पक जाएगी, सेब भी बहुत जल्दी पक जाएंगे। सेब के साथ का कॉम्बिनेशन आप डाल सकते हैं इसमें, दालचीनी के अलावा कुछ वॉलनट के पीसेस भी। अखरोट बहुत अच्छी जाती है एप्पल के साथ। सो दिस इज़ यर इन आर हायर बिल्ट इन अवन। और आप इसी तरह रेसिपीज़ ट्राई करिए, हमारा शो देखते रहिए। बहुत सारे एपिसोड्स हैं, ज़रूर हमारा साथ दीजिएगा। शाम को 6 बजे जुमे को, एवरी फ्राइडे शाम को 6 बजे आप ये शो देख सकते हैं और रात में ये शो 10 बजे रिपीट होता है। बहुत मज़े की रेसिपीज़ हैं, समथिंग डिफरेंट ज़रूर ट्राई करिएगा। इफ़ यू आर लुकिंग फॉर एनी अप्लायंसेज इन योर होम, इन योर किचन, तो हायर इज़ द नेम। कितनी सारी चीज़ें हमने इस्तेमाल की हैं, कितने सारे एपिसोड्स में आपने देखा होगा। ओके जी, तो ये क्रिस्प जो मैंने बनाया है, आजकल मैंगो सीज़न में नहीं हो तो सिर्फ आप सेब के साथ बनाइए, पेयर के साथ, नाशपाती जो होती है उसके साथ, कोई भी हार्ड फ्रूट हो जो पके और सॉफ्ट हो जाए उसमें बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। वैसे मैंने मैंगो इसमें डाला है बिकॉज मुझे पसंद है और सीज़न में भी है। तो इसी तरह आप बहुत सारे फ्रूट्स के साथ बना सकते हैं, स्ट्रॉबेरीज़ के साथ बना सकते हैं, कॉबलर्स जैसे हम बनाते हैं, क्रिस्प्स जैसे हम बनाते हैं। ये सारी रेसिपीज़ ट्राई करिएगा, सीज़न में जो चीज़ हो वो खाइएगा, उसी से चीज़ें बनाइएगा। और इसी तरह ये इस शो का फ़ायदा उठाइए और ये अप्लायंसेस कैसे हम इस्तेमाल करते हैं वो भी देखिए, सीखिए और घर पे लाइए। स्पेशली द एयर फ्रायर, मुझे एयर फ्रायर बहुत पसंद है बिकॉज सिर्फ एक चमचे तेल में कितना सारा कुछ आप फ्राई कर सकते हैं, बनिस्बत वो इतना सारा तेल जो हम डीप फ्राइंग में इस्तेमाल करते हैं। फिर बाज़ वक्त वो तेल भी हमें फेंक देना पड़ता है बिकॉज फॉर इट्स नॉट रियली हेल्दी कि हम बार बार उसको रीयूज़ करें। चलिए हम चलते हैं रेसिपी रिकैप की तरफ, देखते रहिए हमारा शो। मैंगो क्रिस्प, अज्जा, आम स्लाइस 3 कप, कटे सेब 2 अदद, दालचीनी 1.5 चाय का चम्मचा, जायफल 1/4 चाय का चम्मचा, नींबू का रस 1 खाने का चम्मचा, मक्खन 1/4 कप, ब्राउन शुगर 1/2 कप, मैदा 1/2 कप। तरकीब, आम के स्लाइस और सेब में दालचीनी, जायफल और नींबू का रस मिला दें। फिर पहले ग्रीस की हुई डिश में डालकर एक तरफ रखें। अब मक्खन और ब्राउन शुगर को मिला दें, फिर मैदा और बाकी दालचीनी मिला दें। उसके बाद फलों के स्लाइस रखकर 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर गोल्डन ब्राउन बेक करें। आखिर में गर्म या ठंडी क्रीम या आइसक्रीम के साथ सर्व कर दें। माइक्रोवेव पैनी पास्ता, अज्जा, कुटा लहसुन 1 जवा, बेजल मुट्ठी भर, कटे टमाटर 250 ग्राम, ब्रेड 25 ग्राम, पैनी पास्ता 85 ग्राम, तेल 2 खाने के चमचे। तरकीब, लहसुन, हर्ब, टमाटर और नमक मिक्स कर लें। अब इसे ब्रेड क्रस्ट पर लगाएं और पास्ता में फोल्ड कर लें। फिर इसे 2 मिनट माइक्रोवेव करें। अब इसमें 80 मिलीलीटर पानी डालकर स्टर करें और दोबारा माइक्रोवेव करके सर्व कर दें। ओके जी, तो आई होप आपने नोट कर दी होंगी रेसिपीज़ इस शो में जो मैंने बनाई थी। एप्पल एंड मैंगो क्रिस्प मैंने बनाया था, इसी तरह बनाइएगा, ट्राई करिएगा। हायर के बिल्ट इन अवन में हमने इसको बनाया था, ठीक है। और इसी तरह आप पीच का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आड़ू जब सीज़न में हो, आप इसमें गुआवा भी डाल सकते हैं, यानी कि अमरूद, ठीक है। तो इसी तरह ऊपर आप कोई भी मसाले मैं नहीं कहूँगी, लेकिन कोई भी स्पाइसेस ऐसे डाल सकते हैं जो उसको कॉम्प्लीमेंट करें। जैसे कि आप अमरूद के ऊपर दालचीनी डालिए, ठीक है, चीनी डाल दीजिए, ऊपर से आप दानेदार चीनी भी डाल सकते हैं। जब वो कैरमलाइज होगी तो बहुत अच्छा क्रिस्पी सा एक टेस्ट आएगा। और पास्ता में आप बहुत सारी चीज़ें ऐड कर सकते हैं। व्हेन यू आर इन अ हरी और आपके पास सॉस बनाने का टाइम नहीं है तो आप इस तरह टमाटरों को रख दीजिएगा। इसीलिए मैंने आपको दिखाया था ये मेथड, ये टेक्निक कि क्लिंग कैसे लगाते हैं, उसको पियर्स कांटे से कैसे करते हैं और फिर उसको कैसे हम रख देते हैं। जब जल्दी हो तो आप माइक्रोवेव में इस तरह कर सकते हैं, ठीक है। बेशक आप बिल्ट इन माइक्रोवेव यूज़ कर रहे हो या दूसरा वाला हायर का जो माइक्रोवेव है वो।
सो ये दोनों रेसिपीज़ आज हमने कर ली हैं. इसको आप सर्व करिए बोल्स में इंडिविजुअल, और फिर आप उसके अंदर एक एक स्कूप वेनिला आइसक्रीम का ऊपर से रख दीजिए, चॉकलेट सॉस डाल दीजिए, स्ट्रॉबेरी सॉस डाल दीजिए. सो दिस इज़ गोइंग टू बी योर क्रिस्प एंड अ मेलबा कम्बाइंड रेसिपी. ज़रूर इसी तरह रेसिपीज़ ट्राई करिएगा, हमारा शो देखिएगा. आगे बहुत सारे एपिसोड्स हैं. हर जुमे को मैं हाज़िर हो जाती हूँ आपके सामने 6 बजे शाम को, और रात में हमारा शो रिपीट होता है 10 बजे. तो देखना मत भूलिएगा हमारा शो. अब आप दीजिए मुझे और मेरी टीम को इजाज़त. मेरी और आपकी मुलाकात होगी एक और एपिसोड में. तो देखते रहिए हायर प्रेजेंट स्मार्ट कुकिंग शो ऑन मसाला टीवी. अब दीजिए इजाज़त. अल्लाह हाफिज़.